पंजाब में कांग्रेस की भयंकर बेइज्जती, सीएम भगवंत मान ने दिखाई औकात, राहुल गांधी को जमकर किया बेइज्जत, भरे सदन में दिखी आप कांग्रेस की लड़ाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। कहा जाता है हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। विपक्षी गठबंधन को लेकर यह कहावत अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां दिल्ली में एक साथ नजर आती हैं, वो पंजाब में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ है और अंदर से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। एक तरफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ होने का दम भरती है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं और राहुल गांधी की आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी बखिया उधेड़ी जाती है जिसको सुनकर सोनिया गांधी के कानों से खून निकल जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये राजनीति है जनाब, यहाँ पर काम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जमकर हुई है नोकझोंक, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। पंजाब विधानसभा में 4 मार्च को बजट पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में अपना आपा खो दिया। भगवंत मान की पंजाब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह भाजपा के साथ तीखी बहस हुई। भगवंत मान ने भाजपा पर बरसते हुए सीट शेयरिंग समझौता खत्म करने की बात कह डाली। मान ने भाजपा से ये तक कह दिया कि जाओ और सोनिया और राहुल गांधी से कहो कि वो हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात की लोकसभा सीटें ना दे। भगवंत मान की तरफ से स्पीकर कुलतार सिंह संधवान को एक ताला और चाबी सौंपने के बाद विधानसभा में बेकाबू सीन देखने को मिला। संधवान से विपक्ष को सदन के अंदर बंद करने के लिए कहा गया ताकि वो चर्चा के दौरान बाहर ना निकले। ऐसा तब हुआ जब स्पीकर ने आप विधायकों के अनुरोध पर सत्र की शुरुआत के प्रश्नकाल और शून्यकाल लेने की प्रार्थना से हटकर राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पर चर्चा की अनुमति दी। सीएम भगवंत मान ने विधानसभा अध्यक्ष को ताला और चाबी सौंप कर कहा कि विपक्ष को सदन के अंदर बंद कर दीजिए ताकि वो बाहर ना निकले। दरअसल भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में बजट सत्र के शुरुआती दिन राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विपक्षी विधायकों की आलोचना की और सदन में चर्चा की मांग की। आप विधायकों के अनुरोध पर स्पीकर कुलतार सिंह ने सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल और शून्यकाल की परंपरा से हटकर राज्यपाल के अभिभाषण में व्यवधान पर चर्चा की अनुमति दी। इस चर्चा के शुरू होने से पहले मान ने स्पीकर को एक ताला और चाबी वाला लिफाफा दिया और कहा कि सदन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाए ताकि विपक्षी सदस्य चर्चा के दौरान बाहर ना निकल सके। मान ने स्पीकर से कहा, मैं सच बोलूंगा और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताला लगा दीजिए ताकि ये भाग ना जाए। आपक होते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रताप सिंह भाजपा से कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं, मेरे साथ क्या आप कभी उनके साथ बैठे हैं? एक तरफ आप हमारे साथ सीट बंटवारे पर समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सब जाओ और उनसे सोनिया और राहुल गांधी से कहो कि वो हमारे लिए कुरुक्षेत्र, दिल्ली, गुजरात लोकसभा सीट ना दे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाते हुए उन्हें याद दिलाया कि कैसे कई वरिष्ठ नेता सबसे पुरानी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने आगे कहा कि दिल्ली में क्या है नेशनल पार्टी कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जिसने 60 साल देश पर राज किया, लेकिन अब कांग्रेस का दिल्ली में क्या हाल है? 2015 से 2020 तक कांग्रेस का एक भी सांसद और विधायक नहीं है। सीएम मान ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में ये अहंकारी हो गए थे। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल राज किया तो कांग्रेस अहंकारी हो गई थी, हमें कोई हटा नहीं सकता। इसके बाद दिल्ली में केजरीवाल की एंट्री हुई और कांग्रेस का सफाया हो गया। दिल्ली में कांग्रेस हमारी पार्टी से सीटों के लिए मिन्नतें करती हैं और पंजाब में भगवंत मान हाय हाय करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में एक नेता है, वो राहुल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास पार्टी में कोई पद नहीं है। बजट सत्र के समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था
तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे थे। पता नहीं ये कैसी यात्रा है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आपसे केवल कुछ सीटें मांगने पर भी तंज कसा और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। भगवंत मान के निशाने पर पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिद्धू की तुलना बिना ड्राइवर वाली ट्रेन से की। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन वो ट्रेन है जो नुकसान पहुंचाती है, ये उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है। मान ने कांग्रेस विधायकों पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कार्यवाही बाधित करने और विधानसभा से बाहर जाने का आरोप लगाया, जिसे उनका मानना था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि वास्तव में कांग्रेस फिएट कार के पुराने मॉडल की तरह है, जिसे अपडेट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाया कि सीएम भगवंत मान ने सभी के लिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस सुनना नहीं जानती, इसीलिए विधानसभा के दरवाजे अंदर से बंद कर लेने चाहिए। क्या हम मजदूर हैं? हमने इतना कमजोर वक्ता नहीं देखा। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य प्रताप सिंह भाजवा ने मान से कहा कि वो नहीं भागेंगे। हालांकि मान लगातार कहते रहे कि विपक्षी विधायक चले जाएंगे। इसी बीच अध्यक्ष ने कहा कि सदन के दरवाजे पर ताला लगाने का मुद्दा सांकेतिक है, ताकि सदन में चर्चा की जा सके। सत्ता पक्ष के सदस्यों और कांग्रेसी विधायकों के बीच तीखी तकरार के बीच सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। सदन स्थगित होने के बाद भाजवा ने कुछ टिप्पणी की, जिसके चलते सत्तारूढ़ आप के सदस्य विपक्षी मेजों की ओर से आ गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। इस हंगामे के बीच राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपना संबोधन छोटा कर दिया था। उन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी और सदन से कहा कि इसका बाकी हिस्सा पड़ा हुआ समझा जाए। इतना ही नहीं, पंजाब विधानसभा में बजट सेशन के बीच हंगामे के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान और स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवा के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। उसके बाद कांग्रेस के आदमपुर से विधायक सुखविंदर कोटली ने सदन से बाहर आकर रोना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उनके दलित विधायक का सदन में अपमान किया है। इतना ही नहीं, सदन में कोटली ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने कहा था सरकार बनने के बाद दलित को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसी को लेकर कोटली कह रहे हैं कि उनका सदन में अपमान किया गया। जब कोटली अंदर नारेबाजी कर रहे थे तो सीएम ने कहा कि देखना इन्हें दौरा तो नहीं पड़ गया, चप्पल सुंघाओ। एक तरफ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भयंकर सिर फुटवलवल देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में बड़ा खेल भी हो गया है। जिस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ने में और एक दूसरे पर आरोप लगाने में बिजी थी, उसी वक्त बीजेपी ने खेल कर दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच सियासी मेलजोल भी शुरू हो गया। आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी बीच पंजाब की राजनीति से बड़ी खबर आई है। शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त एक विलय हो गए। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा के आवास पर ये विलय हुआ है। ढींढसा ने अपनी पार्टी को अकाली दल में मर्ज कर लिया है। बता दें कि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी की भी हिस्सेदारी है। बता दें चलें कि सुखदेव सिंह ढींढसा पूर्व केंद्र मंत्री रह चुके हैं। सुखबीर बादल से विवाद के कारण ढींढसा ने अकाली दल से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना ली थी और बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया था। अब शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ आने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि अकाली दल और भाजपा के दरमियान फिर से गठबंधन हो सकता है और सुखदेव सिंह ढींढसा इस गठबंधन के सूत्रधार बन सकते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद सुखदेव सिंह और बाकी अकाली नेताओं ने शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड का गठन किया था। इससे पहले ढींढसा और अन्य नेताओं ने 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद सुखबीर बादल से पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रकाश सिंह बादल ने भी ढींढसा को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। रणजीत सिंह ब्रह्मापुरा, जगमीत बराड़, रणजीत सिंह तलवड़ी और जस्टिस निर्मल सिंह जैसी कई महत्वपूर्ण हस्तियां यूनाइटेड अकाली दल में शामिल हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट बंटने के कारण अकाली दल को सिर्फ 3 सीटें मिली और अन्य पार्टियों को फायदा हुआ था। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दोनों पार्टियां एक हो गई तो इससे पंजाब की राजनीति बदल सकती है।
उनका ये भी मानना है कि एकता के बाद अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है और सुखदेव सिंह ढींडसा इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक कहानी हम सब ने सुनी है कि दो लोगों के झगड़े का फायदा किसी तीसरे को होता है। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।